आज एक साहब आए मुझसे मसला पूछने कि सालगिरह क्या है। कह रहे मेरे रिश्तेदार सालगिरह करते हैं, मैं नहीं उसमें शिरकत करता तो सब मेरा मजाक उड़ाते, सब मजाक उड़ाते हैं, बोलते हैं ये इसमें क्या है भाई, अगर हम खुशी में केक खा लें और बच्चा जरा खुश हो जाता है तो क्या जा रहा है इसमें। आप सही कह रहे थे यार। हेलो, वो लगा दें, मुझे मुझे अपनी आवाज़ समझ में नहीं आ रही है। इनने माइक का सिस्टम माशाल्लाह बड़ा तगड़ा कर दिया। अभी फेसबुक पे पहले बहुत शिकायतें आती थी कि ये आवाज ही नहीं आ रही। तो अब उन्होंने सालगिरह रखी। सालगिरह में क्या किया कि वो होती है सालगिरह, तो मुझसे पूछ रहे थे, बस एक कान में काफी है मेरा ख्याल, वरना इनकी भी नहीं आएगी ना। हाँ ये वाला सही है। तो सालगिरह में क्या हुआ कि हाँ बस जजाकल्ला, उन्होंने क्या किया सालगिरह में, रिश्तेदारों ने जो है ना वो बुलाया। अब उन्होंने कहीं मेरे बयान सुने हुए थे, उन्होंने मना कर दिया कि मैं नहीं आता। तो रिश्तेदार कहने लगे, मजाक उड़ाने लगे और बायकॉट करने लगते हैं ना कि क्या तुम लोग सख्त हो गए हो, तुम लोग किसी को खुश भी नहीं होने देते। यानी ये इतराज होता है लोगों को कि ये मौलवी लोग किसी को खुश होता भी नहीं देख सकते। क्या हरज है अगर थोड़ा सा हमने केक काट लिया, क्या हो गया अगर थोड़े दो चार गुब्बारे फोड़ दिए, क्या हो गया अगर थोड़ी सी पेस्ट्री अपने हाथ से किसी को खिला दी, क्या हो गया इसमें। तो मुझसे कह रहे थे कोई गुंजाइश है शिरकत की, मैंने कहा जायज नहीं है ये। कह रहे इसकी दलील क्या है नाजायज होने की। लोग सवाल पूछते हैं, लोग तो ये दलील देते हैं ना कि क्या हो गया। तो मैंने उनको दलील दी, आपको भी बता रहा हूं ताकि आपके सामने ये बात वाजे रहे। मैंने कहा देखो, इस्लाम कोई भी उल्टा सीधा काम करने को पसंद नहीं करता, किसी भी चीज की कोई लॉजिक होनी चाहिए। ये जो साल गुजरने के बाद आप केक काटते हैं, तो बच्चा तो जितनी जिंदगी लेकर आया था, मौत के एक साल मजीद करीब हो गया ना, क्या ख्याल है? फिर यही हमाकत करते 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 जब 60 साल का हो जाता है तो भी केक काट रहा है। हालांकि 60 साल का होना इसकी अलामत है कि अब तो थोड़े से ही साल रह गए, पता नहीं अगले साल केक काटना नसीब होगा कि भी नहीं होगा। तो ये खुशी की बात नहीं है। और ये रस्म कहां से आई है? गोरों से। गोरों से अगर कोई ऐसी रस्म आई हो ना जिसकी कोई लॉजिक बनती हो तो वो कर लें, इसलिए करें कि ये ना कहें कि हम गोरों की रस्म के तौर पे कर रहे हैं। बोले भाई गोरों की ये रस्म है तो गोरों की, मगर इसकी लॉजिक बहुत अच्छी है तो हम लॉजिक की वजह से फॉलो कर रहे हैं उसको। हदीस में आता है कि हिकमत की बात मोमिन की गुमशुदा चीज है, जहां से मिले ले लो। अगर कोई गोरा अच्छा काम कर रहा है, देखो हमारे यहां ज्यादातर काले लोग हैं और वो लोग क्या ज्यादातर गोरे हैं, तो इसलिए सब लोग क्या बनना चाहते हैं गोरा होना चाहते हैं कि नहीं चाहते, इसलिए कि जब उनको देखते हैं यार ये व्हाइट चमड़ी जो है ना ये जरा इसमें अट्रैक्शन ज्यादा है। अब कोई मुफ्ती कहे कि गोरा बनना जायज नहीं है, क्यों जायज नहीं? इसलिए कि गोरे गोरे होते हैं, तो आपको मुशाबत लाजिम आएगी। हम कहेंगे जो गोरे गोरे होते हैं, अगर वो गोरे देखने में अच्छे लग रहे हैं तो हम भी चाहेंगे यार हम भी थोड़े से गोरे हो जाएं। तो कोई ऐसा काम जिसकी कोई लॉजिक हो अगर वो कर रहे हैं तो आप भी करें, क्योंकि उसमें मुशाबहत लाजिम नहीं आती। आप कहेंगे भाई हम इसलिए नहीं कर रहे, हम तो ये इसलिए कर रहे हैं, हम भी नहीं मुशाबहत की वजह से नहीं कर रहे। और जिस काम की कोई लॉजिक बनती नहीं है उसमें सिवाय गोरों की नकाली के, गैर मुस्लिमों की नकाली के, नकल परस्ती के कुछ भी नहीं है, सिवाय इसके कि वो चूंके करते हैं तो हमने भी उनसे ले लिया। रहा ये मसला के खुश होने के लिए अगर कोई बहाना किसी को मिल जाए तो उसकी में लॉजिक तलाश करने की क्या जरूरत है? तो भाई जब लॉजिक के साथ भी खुश होने के दर्जनों मौके आपके पास हैं तो बिला वजह की खुशियां मनाने की क्या जरूरत है? अब वो साहब जो आए थे कहने लगे कि यार वो बच्चे की सालगिरह थी, तो अगर मैं, तो मैंने कहा सालगिरह के बजाय कोई और काम कर लेते। बोलते कि बच्चा जो है ना फर्स्ट आया है, फर्स्ट नहीं आया तो चलो बच्चा सेकंड आया है, इस खुशी में हम कुछ भी खाएंगे पिएंगे, सेकंड नहीं आया तो चलो थर्ड आया है, थर्ड नहीं आया तो चलो पास हो गया है, फेल भी हो गया ना तो चलो कुछ तो फायदा हुआ ना, फेल भी तो कुछ नंबरों से ही होता है। 20 नंबरों से बच्चा फेल हो गया, यानी 20 नंबर आए थे, 40% जरूरी थे, तो 20% आए ना तो चलो 10 से भी फेल हो सकता था, तो हमारे बच्चे में इतनी सलाहियत अल्हम्दुलिल्लाह पैदा हो गई कि उसने 20 नंबर तो ले ही लिए, अगले साल इंशाल्लाह 25 ले लेगा। तो ये भी कोई, इसमें भी खुशी का अंसर निकाला जा सकता है। तो मैंने कहा साल में इतने मौके आते हैं खुश होने के लिए कि आपको फिर खुश होने के लिए सालगिरह की जरूरत, बोलो ना भाई, नहीं है।
इतने मौके मिलेंगे आपको खुश होने के। बच्चा पास हो गया, बच्चा सीढ़ियों से उतरता हुआ गिरा और टांग नहीं टूटी, आप सारे रिश्तेदारों को बुला लें, बोले आज हमारा बच्चा सीढ़ियों से भागता हुआ उतरा था और स्लिप भी हुआ मगर अल्हम्दुलिल्लाह टांग नहीं टूटी, लिहाजा कल पूरे महल्ले की दावत है, खिला दें। और अगर टांग टूट गई तो भी खिला सकते हैं, भाई दोनों टूट सकती थी लेकिन एक टूटी है सिर्फ। कोई कुछ तो निकाले ना, कोई तुक तो बने ना। वो जो उल्टा काम करते चले जा रहे हैं, बस गोरों ने कर दिया तो हम भी, सिर्फ शो मारने के लिए कि हम क्या हैं, हम भी जरा मॉडर्न लोग हैं, मॉडर्न, अपने आप को मॉडर्न साबित करना, ये चीजें होती हैं। और अगर किसी की नीयत मॉडर्न साबित करना नहीं भी है तो भी मैंने बताया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत शदीद वईद सुनाई है, मन तशब्बह बिकौमिन फहुवा मिनहुम, जिसने किसी कौम की नकाली की, मुशाबहत इख्तियार की, वो उनमें से है, हम में से नहीं है। हमारा एक तशख्खुस है मुसलमानों का, हमें तो चाहिए कि हम उनको अपना कल्चर दिखाएं कि भाई इसको फॉलो करो, हमारा वाला तुमसे अच्छा है। हम सालगिरह नहीं मनाते, हम बच्चे की पैदाइश पे गोश्त खाते हैं और गोश्त खिलाते हैं, अकीका करते हैं। गोरे कभी करते हैं ये काम? हम गोरों से सालगिरह ले रहे हैं मगर गोरे हमसे अकीका नहीं ले रहे, वो कहते हैं ये कौन होते हैं जिनसे हम सीखें। हालांकि हमारे अकीके की लॉजिक है, बच्चे की पैदाइश हुई है, कितनी बड़ी खुशी है कि नहीं है, बेटा पैदा हो गया तो और डबल खुशी होती है। तो शरीयत ने क्या कहा, दो बकरे काटो, खुद भी खाओ पब्लिक को भी खिलाओ। केक से क्या होता है सिवाय गैस ट्रबल के, और केक की तरह भूल जाओगे। तो गोरों ने हमसे अकीका नहीं लिया, हालांकि हमारा अकीका उनके सालगिरह के केक से हजार गुना बेहतर है। हम उसमें बकरा काटते हैं, क्या सा बकरे के नाम सही, मजा आया कि नहीं आया? ताजा जो बकरा होता है ना उसका गोश्त कैसा मजे का होता है, उसे पका के खाएं आप अपने खर्चे पे, बड़ा मजा आएगा उसमें। या दुम्बा काट लें या गाय का ताजा गोश्त काट लें। तो ये सब चीजें शरीयत ने कहा है कि भाई इससे ताकत भी आएगी और जो है क्या नाम है खुशी भी होगी। इसी तरह और मौके पर बच्चों का कुरान खत्म होता है। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में एक रिवायत है कि जब उन्होंने क्या सूरह बकरा का खत्म किया तो लोगों को खाना खिलाया उन्होंने, और सहाबा के नाम इस तरह किया करते थे। तो खुशी के मौके पे कुरान खत्म हो गया बच्चे का, ये स्कूल में पास हो गया है, अच्छे नंबर आ गए हैं। तो ऐसे मौके पे आप खुशी मनाते रहें, मनाते रहें, मनाते रहें। कोई अल्लाह की तरफ से भी पाबंदी नहीं, गवर्नमेंट की तरफ से भी। और ये चीजें करेंगे तो शायद गोरे भी हमें फॉलो करना शुरू कर दें। तो लेकिन जो हम क्या कर रहे हैं, उल्टे उल्टे काम कर रहे हैं। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि जब आदमी दीन पे चलता है ना, तो ये आप जितने मर्जी दलाइल देना रिश्तेदारों को, उनकी समझ में नहीं आएंगे, ये समझ में नहीं आएंगे। समझ में तो सारी चीजें आखिरत में आएंगी। दुनिया में या तो पुलिस समझा सकती है या दलाइल से आप समझा सकते हैं। पुलिस आपके पास है नहीं और दलाइल वो समझना चाहते नहीं है।